अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा आरटीओ रीवा के निर्देशन में माह नवंबर 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 77,13,000 रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। परिवहन सुरक्षा स्क्वाड के द्वारा माह नवंबर में जिले भर में की गई जांच के दौरान 184 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए उनसे 8,36,000 का शासकीय राजस्व जुर्माने के रूप में वसूल किया गया एवं परिवहन सुरक्षा स्क्वाड के द्वारा मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग का मोटरयान कर ना जमा करने वाले वाहनों के विरुद्ध भी जांच अभियान चलाया गया। परिवहन सुरक्षा स्क्वाड के द्वारा 149 वाहनों से 68,18,000 रुपए का बकाया कर भी मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग के खाते में जमा कराया गया। परिवहन सुरक्षा स्क्वाड के द्वारा जांच के अलावा बकाया मोटरयान कर वाले वाहन स्वामियों से संपर्क कर उनसे वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग के द्वारा बकाया कर में दी जा रही विशेष छूट का लाभ लेने के लिए उनको जानकारी दी, जिस कारण रिकॉर्ड 68,18,000 रुपए का शासन का बकाया मोटरयान कर मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग के खाते में नवंबर माह में जमा कराया गया। चेकिंग के दौरान यात्री बसों एवं ऑटो रिक्शा एवं एम्बुलेंस के विरुद्ध भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 36 बसों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। इन यात्री बसों में जांच के दौरान बस में किराया सूची चस्पा ना होने, बिना परमिट एवं यात्रियों से किराया ज्यादा वसूल किए जाने के साथ ही परमिट शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए 1,09,000 का राजस्व वसूल किया गया। इसके अलावा बिना परमिट 26 ऑटो के विरुद्ध भी चालानी कार्यवाही की गई, जिनसे 1,07,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। परिवहन सुरक्षा स्क्वाड रीवा के द्वारा माह नवंबर 2022 में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व अर्जित किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड कार्यवाही है।